नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित करना है। मैं मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, सोशल वर्कर हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके लिए इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, और एक टॉपिक है हाउ टू नो योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे पहचाने। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, केवल अपने लिए नहीं हम सबके लिए कहा था, यानी मैं ब्रह्म हूं, आई एम द क्रिएटर। क्या महात्मा बुद्ध की इस बात को हमें माननी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें किसी की बात नहीं माननी चाहिए जब तक वो हमारे अपने पर्सनल अनुभव में ना हो। और दोस्तों, हमारे अनुभव की गहराई कितनी है इसकी जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी। आइए आज हम अपने भीतर गोता लगाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अनुभव की गहराई कितनी है और हम हैं कौन। दोस्तों, इस शरीर में या इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी होता है उसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जो हम जान के बूझ के समझ के करते हैं और जिसपे हमारा पूरा कंट्रोल होता है, यानी कॉन्शियस एक्टिविटी। दूसरा, जो अपने आप होता है, यानी हो तो रहा लेकिन कैसे हमें पता नहीं, यानी अनकॉन्शियस एक्टिविटी। दोस्तों, ये बात तो बहुत साधारण है, कुछ एग्जांपल्स देके इसे मैं और इजी कर देता हूं। हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल है और हम पूरी चेतना के साथ करते हैं। ये सब कॉन्शियस एक्टिविटीज है। दोस्तों, हम खाना खाते हैं अपनी मर्जी से, ये कॉन्शियस एक्टिविटी है। और उस खाने का एक एक पोषक तत्व शरीर के एक हिस्से में पहुंच जाता है बिना हमारी मर्जी के, ये अनकॉन्शियस एक्टिविटी है। हम पानी पीते हैं अपनी मर्जी से, ये कॉन्शियस है। लेकिन उस पानी के अंदर जाना और शरीर के एक हिस्से से गंदगी को निकाल देना, ये अनकॉन्शियस एक्टिविटी है। दोस्तों, दौड़ते हैं, फिरते हैं, भागते हैं, खेलते हैं अपनी मर्जी से, पर इस पूरी प्रक्रिया में शरीर का एक एक मसल्स, एक एक हड्डियां विकसित होती है बिना हमारी मर्जी के। हमारे शरीर में खून की नदियां बह रही हैं बिना हमारी मर्जी के। हम इतने छोटे से इतने बड़े हो गए बिना हमारी मर्जी के। हमारा दिल लगातार धड़क रहा बिना हमारी मर्जी के। हमारे ब्रेन में लाखों करोड़ों तंत्रिकाएं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है और एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर कर रही है बिना हमारी मर्जी के। हमारे दांत निकलते हैं, गिर जाते हैं बिना हमारी मर्जी के। हमारे बाल उगते हैं, झड़ जाते हैं बिना हमारी मर्जी के। और हम जन्म लेते हैं और मर जाते हैं बिना हमारी मर्जी के। दोस्तों, ये सारी वो एक्टिविटीज है जो हो तो रही पर कैसे हमें पता नहीं, ये सारी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज है। दोस्तों, मैंने इतने एग्जांपल्स इसलिए दिए क्योंकि अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा। सवाल इसलिए क्योंकि आप हैं कौन, इससे रिलेटेड हर जवाब आपके अंदर से ही आना चाहिए। सवाल है कि आपके लाइफ में कॉन्शियस एक्टिविटी ज्यादा हो रही या अनकॉन्शियस एक्टिविटी ज्यादा हो रही। दोस्तों, अगर आपका आंसर कॉन्शियस एक्टिविटीज है या आप अपने आंसर के लिए कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आप इस वीडियो के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं। क्योंकि 10 मिनट के इस वीडियो के माध्यम से इस वैचारिक शून्यता को नहीं भरा जा सकता। लेकिन अगर आप उन 99% लोगों में हैं जिनका आंसर अनकॉन्शियस एक्टिविटीज है तो आप और गहराई में जाने को तैयार हैं। दोस्तों, जैसे हमारी एक्टिविटीज दो तरह की है, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग भी दो तरह का है, यानी हमारे दिमाग के भी दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस हिस्सा और दूसरा अनकॉन्शियस हिस्सा, यानी चेतन भाग और अचेतन भाग। आप ये समझ ही गए होंगे कि कॉन्शियस भाग कैसे कैसे काम करवाता है और अनकॉन्शियस भाग कैसे कैसे काम करवाता है। और आप शायद ये भी समझ गए होंगे कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा शक्तिशाली कौन है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं इसे और क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि जब हम और गहराई में जाए तो चीजें बिल्कुल साफ दिखाई दे। दोस्तों, आपके कॉन्शियस ब्रेन ने आपकी आंखों की पलकों को खोल कर रखने की कोशिश की, दिमाग का ये हिस्सा कितनी भी कोशिश कर ले, अनकॉन्शियस ब्रेन कुछ ही सेकंड में पलकों को झपका देता है जीत किसकी हुई। कॉन्शियस ब्रेन सांस को रोक कर रखने की कोशिश करता है पर ये कितनी भी कोशिश कर ले, अनकॉन्शियस ब्रेन कुछ ही सेकंड में आपको सांस लेने को मजबूर कर देता है जीत किसकी हुई। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन सुट्टा दारू, रसदी, गंदा तुलसी छोड़ने की कोशिश करता है, कसमें भी खाता है, पर अनकॉन्शियस ब्रेन फिर से आपको उसी दुकान पर लेकर चले जाता है जीत किसकी। दोस्तों, अनकॉन्शियस ब्रेन साइज में और पावर में कॉन्शियस ब्रेन से बहुत बड़ा होता है। और साइंटिफिकली बात करें तो कॉन्शियस ब्रेन बस 0 से 10% पूरे ब्रेन का होता है,
जिसपे आपका कंट्रोल है और बाकी 90% हिस्सा अनकॉन्शियस ब्रेन का होता है जो बहुत पावरफुल है, लेकिन इन जनरल उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। दोस्तों दिमाग का वो 90% पावरफुल हिस्सा जो आपकी जिंदगी की अधिकांशतः चीजें कर रहा है, क्या आपकी पहचान उसके बिना हो सकती है? आप कहेंगे नहीं, पर जरा अपनी पहचान को टटोलिए और देखिए उसमें क्या अनकॉन्शियस ब्रेन को जगह मिली है। जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, मैं मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हूं, एंटरप्रेन्योर हूं, सोशल वर्कर हूं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मेरी सारी आइडेंटिटी जरा गौर कीजिएगा कहां से निकली है, कॉन्शियस ब्रेन से निकली है। और आपकी भी कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, इसका मतलब हम अपने आप को बस 10% पहचानते हैं, 90% खुद से अनजान है। तो कैसे पहचाने अपने आप को, कैसे कंप्लीट करें अपनी आइडेंटिटी, कैसे खुद को 100% पहचाने, आइए समझते हैं। दोस्तों हमें उस 90% हिस्से को जानना होगा जिसको नहीं जानने की वजह से हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान अधूरी है। पर कैसे, इसे एक एनालॉजी से समझेंगे तो आसानी होगी। दोस्तों पानी में हम कितनी गहराई तक देख सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि पानी कितना साफ और कितना शांत है। अगर पानी बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल शांत हो, तो हम पानी का तल या बॉटम भी देख सकते हैं। अगर पानी के सरफेस पर हलचल हो तो आप अंदर का कुछ नहीं दिखाई देगा। दोस्तों इसी तरह हमारे दिमाग के सरफेस पर इतनी डिस्टर्बेंसेस है कि हमें अंदर का कुछ दिखाई नहीं पड़ता। दोस्तों अगर आपको अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर झांकना है तो आपकी दिमाग की ऊपरी सतह पर जो हलचल है यानी कॉन्शियस ब्रेन की जो एक्टिविटीज है उसको बंद करनी होगी। और एक बार कॉन्शियस ब्रेन की एक्टिविटीज बंद हो गई, फिर आप दिमाग की गहराई में यानी अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जाकर अपने 90% पहचान को खोल सकते हैं। और फिर जो अनुभव होगा वो अनुभव आपका बिल्कुल पर्सनल होगा, क्योंकि उस जगह और कोई नहीं पहुंच सकता। और दोस्तों इसी प्रोसेस को इन जनरल मेडिटेशन कहते हैं। दोस्तों जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए यानी जब हमारा जन्म हुआ, उस वक्त हमारे पास था एक नवजात शरीर और एक 100% अनकॉन्शियस ब्रेन, और उसी अनकॉन्शियस हिस्से में हमारे पूरे अस्तित्व की कमान थी और आज भी है। जन्म से लेके आज तक हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी क्रिएट हुआ है, उन सब का सोर्स वही अनकॉन्शियस ब्रेन है, मतलब वही क्रिएटर है। और क्रिएटर को क्या कहते हैं, ब्रह्मा। तो जब महात्मा बुद्ध ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर, तो उन्होंने अपनी पहचान पूरी बताई थी और हमारी पहचान पूरी बताई थी। दोस्तों हम सबके अंदर वो सोर्स है जो हमारे खाने को खून बनाता है और खून को हड्डी और मांस, जहां से हमारा सब कुछ बनता है वो सोर्स हमारे अंदर ही है। पर जो बनता है वो भी हमारे अंदर बनता है, यानी हम ही क्रिएटर है और हम ही क्रिएशन, ब्रह्म भी हम ही है, तत्व भी हम ही है। पर दुर्भाग्य से हम अपने अंदर के ब्रह्म को, अपने अंदर के क्रिएटर को भूल गए, क्रिएशन हमें याद है। दोस्तों उस क्रिएटर की, उस ब्रह्म की एक झलक आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। दोस्तों लॉजिक से उस ब्रह्म, उस क्रिएटर की झलक नहीं मिल सकती, क्योंकि लॉजिक आपके दिमाग के ऊपरी सरफेस पे डिस्टरबेंस जो आपको अंदर नहीं देखने देगी, बल्कि आप जितनी लॉजिक लगाएंगे आपकी दूरी उतनी बढ़ती जाएगी। अगर आपके मन में इच्छा जगी है उस ब्रह्म को, उस क्रिएटर को जानने की, देखने की और अपने पहचान को पूरा करने की, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। हम इस वीडियो को खत्म करते हैं इस उम्मीद में कि आपके अंदर एक बीज बो दिया गया है, जल्दी ही उसमें फल और फूल लगेंगे और आप अपनी पूरी आइडेंटिटी, पूरी पहचान के साथ जिंदगी जी पाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।